जोड़ा बिछड़ गयो रे गजब भयो। केशव केशव, ये तलत महमूद की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना क्यों गा रहा है? इडियट, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। बोल क्या है? अरे केशव, आज शर्मा जी बड़े परेशान है। क्यों, उनकी बीवी मायके से वापस आ गई? बीवी से नहीं तो? वो अपनी तीन नंबर वाली साली से परेशान है। तीन नंबर वाली साली? या ये कौन सी साली यार? गोखले मेरे को एक बात बता, ये शर्मा के बच्चे को तीन चार ससुर जी है। क्यों, अरे कितनी सालियां है। अब ये कौन सी साली? ये ममता। ममता? हाँ। मतलब वो कवर पेज वाली? नहीं, ये अंडर प्रिंट है। ओ, उसके सर पर फिल्म स्टार बनने का भूत सवार है। अच्छा, प्रेमा जी को अपना आदर्श मानती है। हाँ। हर मामले में प्रेमा जी को कॉपी करना चाहती है। हाँ, गोखले फिर तो लगता है मुझे 10-15 दिन तक बहुत काम रहेगा। जीजू। हाँ? अगर आप प्रेमा जी से मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो कुट्टी 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 मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस? जीजू, मैं प्रॉमिस करता हूँ ममता कि तुम्हें प्रेमा शालिनी से मिलवा दूंगा। सच? लेकिन इसके लिए मुझे थर्ड क्लास आदमी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कौन सा थर्ड क्लास आदमी? गुड मॉर्निंग सर। आ गया है। कौन आ गया सर? नहीं, कोई नहीं, इधर इधर, मेरी साली ममता। हेलो ममता। हेलो केशव जी। हेलो सर, आपकी बीवी की बहुत दूर की बहन लगती है। तुमने कैसे पहचाना? नहीं, दिखने में खूबसूरत है ना। क्या? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखो केशव, मेरी ममता तुम्हारी प्रेमा शालिनी से मिलना चाहती। तुम इसे आज ही मिलवा दो। ओके सर, लेकिन उसके लिए तो आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपकी अपॉइंटमेंट? यस, आप मेरी अपॉइंटमेंट लेंगी तब मैं प्रेमा जी की अपॉइंटमेंट लूंगा ना। लेकिन तजुर्बा तो कहता है कि तुम क्या कभी भी सांड की तरह घुस सकते हो। सांड की तरह? इसका मतलब ये होगा दिलरुबा का बच्चा मेरी तुलना आपके साथ करता है? मतलब? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा मुम्मू। मुम्मू? क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम्हें तुम्हें प्यार से क्या बुलाऊं मुम्मू? तुम उसे प्यार से क्या बुलाओगे? ठीक है, तो मैं प्रेमा जी के अपॉइंटमेंट नहीं लेता। नहीं केशव जी, आप मुम्मू की जगह मम्मी पुकारिए, लेकिन प्रेमा जी से मेरी मुलाकात प्लीज करवाइए। मैं भी उनके जैसे टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। बना दूंगा मुम्मू, बना दूंगा। तुम इस वक्त जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे जीजू के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मुम्मू। ठीक है, मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगा। ओके, मैं बुलाऊंगा। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। ओह यस। अबे बिकमंगिया, क्या बात करना चाहता था तू? सर, मैं आपके साथ धंधे की बात करना चाहता हूँ। कैसा धंधा? मैं आपकी साली को प्रेमा जी से अगर मिलवा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। क्या भाई, हम नहीं चाहते कि हमारी ममता फिल्म में काम करे। लेकिन क्यों सर? हम उसका विवाह करना चाहते हैं यार। ओ केशव, उसे एक बढ़िया डॉक्टर ने पसंद भी कर लिया है। डॉक्टर? क्या बात है सर, आपकी बीवी की बहनों को कितने अच्छे अच्छे वर मिलते हैं, और आप? इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रेमा शालिनी से मत मिलवाओ। और अगर तुम उसके सिलसिले फिल्म स्टार बनने का भूत उतरवा सके तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। आप सच कह रहे हैं सर? प्रॉमिस। क्या बात है केशव, बहुत ही अच्छा मौका है, एक ही तीर में पंछी और सांड दोनों। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लेकिन आपकी साली के सर से ये भूत उतारूं कैसे सर? ये तो उसी भूतनी से पूछ करके आओ बेटे। What? मैं? भूतनी? के तुझे क्या कह रहे हैं? नहीं प्रेमा जी, ये तो कहने का सिर्फ एक तरीका है। ये लड़के कौन है वैसे? कुछ हमारे बॉस जो है ना शर्मा साहब, उनकी साली है ममता। यार एक बार बताओ, तुम हमेशा दूसरों की सालियों और घर वालियों के चक्करों में क्यों पड़ते हो? अब क्या करें दिलरुबा जी, प्रमोशन का सवाल है ना, मैं आपकी जैसे अपनी बीवी के पैसों पर ऐश थोड़ी करता हूँ। ताना माता है, ताना माता है। डॉल, इस कौवे का कोई काम मत करना। कौवा जी? केकुजी? केकुजी? हाँ केकुजी, अब काम क्या है वैसे, ये तो बताइए। नहीं, वो जो मुंह है ना, ममता शर्मा जी की साली, उसके सर से हीरोइन का भूत जो सवार है वो निकालना है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हीरोइन बनने में कोई मजा नहीं है। लेकिन केकुजी, ऐसा क्यों? आई मीन ये तो सरासर झूठ होगा, उस बेचारे के साथ नाइंसाफी होगी। बिकॉज हीरोइन बनने में जो मजा है वो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं हीरोइन क्यों बनती के कुछ? लेकिन प्रेमा जी, प्रॉब्लम क्या है कि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के साथ तय हो चुकी है। ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम हीरोइंस बहुत अनलकी होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेमा जी, बिल्कुल ठीक कहा। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी हीरोइन को ढंग का पति नहीं मिला। वैसे दिल है ना, कुक बहुत अच्छा है। फिर क्या? वो लड़की
प्रेमशालिनी ही क्यों बनना चाहती है? आई मीन ऐसा क्या है मुझ में? प्रेमा जी मैं बताऊं? बस बस चांस मत मारते रहोगे ना, चल निकल, चल निकल। क्यों जी, उस लड़की से आप बातचीत कीजिए और वो जो भी आपसे कहे उसकी एक पॉइंट वाइज लिस्ट बनाकर ले आइए मेरे पास। ओके प्रेमा जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। Well, मैं प्रेमा शालिनी को अपना आइडियल इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनके पास शोहरत है, पैसा है। एक मिनट में जरा लिख लेता हूँ। शोहरत और पैसा, अच्छा टाइटल है, शोहरत और पैसा। आगे वो बड़ी दिलदार है। फिल्म गरीबों का देवता में उन्होंने अपनी जायदाद गरीबों में बांट दी। ओहो वेरी गुड, दिलदार है। और एंड शी इज वेरी Bold, you know? Bold. I know. वो इतन क्या हुआ? के एक मैगज़ीन में उनकी ऐसी एक बोल्ड सी तस्वीर आई थी। वो मैं छुप छुप के देख रही थी। इतने में मेरे डैडी आ गए और मेरे हाथ से वो मैगज़ीन छीन लिया और तस्वीर फाड़ दी। फिर वो तस्वीर उन्होंने अपने जेब में डाल दी। Bold and beautiful, है? फिर आगे? और केशव जी, मैंने ये भी सुना है कि she's very sweet natured, किसी को तंग नहीं करती बेचारी। वो तो पता चलेगा। Sweet natured, तंग नहीं करती। आगे? बस यही सब क्वालिटीज है जिनकी वजह से मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। ओहो, लेकिन मम्मू ये सारे पॉइंट्स गलत है। प्रेमा जी इतनी ग्रेट नहीं है। झूठ, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नो मम्मू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स गलत है। लगता है मेरे खूसर जीजू ने आपको खरीद लिया है। नहीं देखो, ऐसा नहीं कहते, अपने जीजू के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते। केशव जी आप नहीं जानते, वो बड़े चालू किस्म के इंसान है। वो तो है, हमेशा मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। तुम्हें गलत फहमी हो गई। अरे वो तुम्हारे ही नहीं, वो ऑफिस के हर लड़की के पीछे लगे रहते हैं। अगर तूने ममता को शादी के लिए राजी नहीं किया तो मैं तुझे तेरी बीवी से तलाक दिलवा दूंगा। कब दिलवाएंगे सर? कमाल है, गेट आउट कह के खुद ही निकल गए। हेलो, हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्यों तुझे इस वक्त, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम इतनी रात को? अरे उसके छह पॉइंट्स हैं। केकू जी आप सो जाइए। ओके प्लीज सो जाइए। कौन फोन पे कौवा है? किसके छह पॉइंट्स हैं? मैं लिख कर लाया हूँ, जरा पकड़ो। केशव तुम भी ना कॉल करते हो। लो मुझे दो फोन, लो मुझे दो, लो। तुम भी कौवे, तेरे को अक्ल नहीं है? इतनी रात को पराई औरत को फोन करता है, शर्म नहीं आती? मैं करूँ फोन अभी कोकी जी को? करो मैं करूँ, करो। फोन करने की क्या जरूरत है दिलरुबा जी, मैं ऑलरेडी सुन रही हूँ। क्या हुआ देव? कुछ नहीं डॉल। वो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते और खामखा तुम उन्हें फोन करते रहते हो। लेकिन कोकी मेरी प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी, रात बहुत हो गई है, अभी सो जाओ। के कुछ को सॉरी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। अरे वो शर्मा जी की साली का ब्रेन वॉश करना है, अगर मैं ब्रेन वॉश कर दूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तुम कर सकती हो उसका ब्रेन वॉश? अगर मुझे ब्रेन वॉश ही करना है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करूँ? खैर जाने दो, तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या करना है? वो शर्मा जी की साली हीरोइन बनना चाहती है और उसकी आदर्श है प्रेमा शालिनी। कम से कम आदर्श तो अच्छे होने चाहिए ना। हाँ बताओ बताओ। वो शर्मा जी की साली ने प्रेमा शालिनी के छह प्लस पॉइंट्स मुझे लिख कर दिए। हाँ। अगर ये प्लस पॉइंट को मैं गलत साबित करता हूँ। हाँ। तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी और उसके सर से प्रेमा जी का भूत उतर जाएगा। तो पॉइंट्स क्या है बताओ? देखो सबसे पहला पॉइंट है शोहरत। क्या तुम साबित कर सकती हो कि प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है? अरे ये तो बहुत ही आसान काम है केशव। तुम एक काम करो ना, तुम उस लड़की को कल मेरे पास भेज दो, मैं उसे साबित करके दिखाऊंगी कि जितना वो समझती है उतनी प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है। केशव जी प्रेमा शालिनी को तो बच्चा बच्चा जानता है। अभी पता चल जाएगा मम्मू, अभी पता चल जाएगा। देखो प्रेमा जी इसी बिल्डिंग में रहती है। आ? अब वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, अब वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है। अच्छा। जाओ उसे जाकर पूछो कि क्या वो प्रेमा शालिनी को जानती है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। एक्स
एक्सक्यूज मी यस क्या आप बता सकती है प्रेमा शालिनी कहाँ रहती है? प्रेमा शालिनी? कौन प्रेमा शालिनी? आप प्रेमा शालिनी को नहीं जानती? अच्छा अच्छा वो मिल्क सेंटर वाली लड़की? नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप फिल्में नहीं देखती क्या? हाँ देखती हूँ ना, बहुत सारी फिल्में देखती हूँ, लेकिन ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। मामी 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 चिंटू तू आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गए? अरे मेरी जो क्लास टीचर थी ना वो आज पिक्चर देखने गई है। क्या? और पता है किसकी पिक्चर? किसकी? प्रेमा शालिनी की। चिंटू बेटे तुम प्रेमा शालिनी को जानते हो? हाँ वो तो हमारे पड़ोस में रहती है। तो फिर अपने मम्मी को भी बताओ। चिंटू यू डफर, तुझे आज स्कूल से जल्दी आना था। मैंने कहती थी केशु जी प्रेमा शालिनी को बच्चा बच्चा जानता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। कम ऑन मम्मू। डोंट वरी केशु जी, मैं ममता का नेक्स्ट पॉइंट हल करने में आपकी मदद करूंगी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वो समझती है कि आप बड़ी पैसे वाली है। लोगों का मेरे बारे में कितनी गलत फहमिया है केशु जी। नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट है वो समझती है कि आप बड़ी दिलदार हैं। ये इसने कहाँ देखा? प्रेमा जी आपकी फिल्म गरीबों का देवता में आप दो हाथों से आपकी दौलत बांट देती है ना गरीबों में। ये लड़की तो मेरी काफी बड़ी फैन दिखती है। डोंट वरी केशु जी, आई एम हियर ना, मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ सॉल्व कर दूंगी। लेकिन कैसे प्रेमा जी? कल उसको 2 बजे मेरी शूटिंग पर भेजना डोनेशन मांगने के लिए। अच्छा? उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी भी होगा मेरे साथ। और उस भिखारी को आप धक्के मार कर बाहर निकाल देंगी? नहीं धक्के तो नहीं मार सकती क्योंकि वो भिखारी एक्चुअली में दिल रुबा होगा। नो प्रॉब्लम, तो फिर मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। 4 बज गए, ऑटो कौन सा सीन कर रहे हैं? 4 नंबर का? नहीं सर, सीन नंबर 3। तेरे को कल बोला था कि 4 करेंगे पहले। अरे सर कल ही तो बोला था कि सीन नंबर 3 करने का है। अच्छा ठीक है चलो। क्या है मैडम सीन नंबर 4 आपके फादर बदल की डेथ हो जाती है क्या? नहीं सर, नहीं सर, डेथ तो इंटरवल के बाद होती है। अरे तो अभी 4 नंबर में मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फादर बदल की उसके बाद आपका क्या होता है? अम्मा थोड़ा खाने को तो भूख लगा। अम्मा चलो निकलो सर, थोड़ा भूख लगा। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मामा सलामत रहे। जोड़ी? आप दोनों को 6-6 बच्चे हो, कुछ खाने को? 6-6 बच्चे? गाली दे रहा है धवन साहब। 6 बच्चे, मेरे फिगर का क्या होगा? ऐसा नहीं बोलते। थोड़ा खाने को। निकलो निकलो यहाँ से। धवन साहब ना आपने मुझे पहचाना सर? मैं वो दिलरुबा इंटरनेशनल याद है सर? उसका मालिक मैं दिलरुबा जनरल सिंह खाना, फिल्म प्रोड्यूसर सर। आप तो लंबे छोटे थे, इतने छोटे कैसे हो गए? गरीबी ने मुझे श्रिंक कर दिया था। वो कैसे? मैंने 6 पिक्चरें बनाई, सबकी सबको नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मैं फुटपाथ पे आ गया। आप मुझे कैसे बात कर सकते हैं? आउट किया है मैडम, अपनी इंडस्ट्री का आदमी आपको। अरे इंडस्ट्री के आदमी की ये हालत, तो इसे कोई हक नहीं है इस इंडस्ट्री में रहने का। इंडस्ट्री में सिर्फ हम जैसे लोग रह सकते हैं। इसे धक्के मार के आउट कीजिए वरना मैं आउट हो जाऊंगी। नहीं नहीं आप आउट हो जाइए। अब निकल निकल निकल। अरे मेरी फिल्म मरवाएगा तेरे छोड़। देखा देखा मम्मू प्रेमा जी कैसे बिहेव कर रही है। अरे काम करो, ऑटोग्राफ मांगने के बहाने प्रेमा जी के पास जाओ और गरीब बच्चों के लिए डोनेशन मांगो। ये रहा रिसीट बुक, जाओ। केशव जी है? अगर मैंने प्रेमा जी से डोनेशन ले लिया है? तो क्या आप मेरे जीजू को कन्विंस करेंगे मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनने दें? वो डोनेशन देने तो दो। जाओ जाओ जाओ। प्रेमा जी, प्रेमा जी, ओह माय गॉड, ऑटोग्राफ प्लीज प्लीज। ऑटोग्राफ? कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हैं? ऑटोग्राफ? माय गॉड, ये कैसा पेन है? ये तो वही पेन है जिसकी आपने ऐड की थी। मैंने ऐड की थी? Oh yes, very smooth pen. Here are your autograph, now go. Thank you. प्रेमा जी, yes. हमारे मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए हम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। All right. आपका बजट क्या है? मतलब मेरा वहाँ आने के लिए आप कुछ देंगे ना मुझे? नहीं नहीं देंगे नहीं, हम तो लेंगे, आपसे लेंगे। कमाल की लड़की हो तुम। तुम किससे बात कर रही हो? सुपरस्टार प्रेमा शालिनी से? हम सुपरस्टार लोग देते नहीं हैं, सिर्फ लेते हैं। वैसे भी हम लोगों के पास देने के लिए होता ही बहुत कम है। इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं उनके चेक्स ज्यादातर बाउंस ही होते हैं। अब इसी फिल्म की एग्जांपल ले लीजिए, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो चेक्स दिए थे सब बाउंस हो गए थे, एक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ। यार क्या कर रही है, ऑडियंस को भड़का रही है? अरे मैंने कल आपको 1,00,000 रुपए का चेक दिया जो बाउंस नहीं होगा, क्या कर रही है? सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है धवन साहब? मैं तो मजाक कर रही थी। मेकअप? एक्सक्यूज मी, मेकअप? टोटो
ये लड़की कौन है? होगी सर कोई भी, प्रेमा जी की फैन होगी, आते रहते ऐसे रोज। देखा हीरोइन बनने का भूत उतरा, चलो चलो। जीजू आई वाज रियली शॉक्ड। हो गई ना तसल्ली, देख लिया ना? अरे प्रेमा जी वैसी नहीं है जैसा तू समझ रही है। नहीं जीजू, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना मूड होता है, हो सकता है वो आमतौर पे डिफरेंट हो, अच्छी हो। क्या मतलब? मतलब मैंने ये कई लोगों से सुना है, ये वो शूटिंग्स पे और सेट पे बहुत ही डिसेंटली बिहेव करती है। अच्छा, तो ठीक है, कल मैं तुझे फिर से उसकी शूटिंग दिखवा देता हूँ। थैंक यू कुलकर्णी। यस सर। ओ बे भिख मंगे, तू दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है क्या? ऑलवेज एट योर सर्विस सर। काम बताओ ना। अरे प्रेमा चालनी कल कहाँ शूट कर रही है? सुबह 7 से 2 बजे तक कमालिस्तान, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिल्मिस्तान, और 6 बजे के बाद माहिम वाला कब्रिस्तान। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? ये ममता फिर से उसकी शूटिंग देखना चाहती है। अच्छा क्यों बेबी? हाँ केशु जी, मैं उन्हें इस बार दूर से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। दूर से। और अगर इस बार भी उन्होंने मिसबिहेव किया तो मैं उनका नाम अपनी जुबान पर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। कोई बात नहीं बेबी, हम फिर से शूटिंग दिखा देते हैं। अच्छा सर, हम जाते हैं। कब? अबे हाँ देखा, आज की शूटिंग का लंच अच्छा होना चाहिए दिल। ऑलराइट डॉल, मैंने चिकन सूप पैक कर दिया है। चिकन में रख दिया? हाँ, बाय द वे वो लड़की शादी के लिए रेडी हो गई। कौन लड़की? मुमू। ममता? आई डोंट नो, केकू जी को मालूम होगा। प्रेमा जी वो लड़की आज फिर से आपकी शूटिंग देखने के लिए आने वाली है। कौन? मुमू? Never mind, no problem. अरे लेकिन प्रेमा जी, आपका अच्छा बिहेवियर और बेहतरीन एक्टिंग देखकर उसकी एक्टिंग करने की तमन्ना और भी बढ़ जाएगी। Of course, no doubt about my behavior and my talent. But don't worry, आज की शूटिंग में मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करती। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। और मैं अपना बिहेवियर भी अच्छा नहीं रखती हूँ। किल हर डिजायर। किल हर डिजायर टोटली, वो एक्ट्रेस बनने का ख्वाब भी नहीं देखेगी। थैंक यू प्रेमा जी। तुम एक काम करो डॉल, पहले मेरी बात सुनो। क्या? मैं इस कौवे के लिए कोई काम नहीं करूंगा, कल इसके चक्कर में मुझे धक्के पड़े धक्के। अरे उसमें क्या हुआ, तो भिखारी के रोल में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो भिखारी की एक्टिंग की मैं फीस लूंगा तुमसे। अरे यार छोड़ो ना, एक बार मुझे प्रमोशन मिल जाने दो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में चिपका दूंगा। अच्छा यार, हमारी कंपनी की कैंटीन में एक असिस्टेंट कुक की जगह खाली है। कंफर्म्ड, आज वो लड़की मेरी शूटिंग देखने आ रही है। ओके प्रेमा जी। ऑलराइट, थैंक यू। प्रेमा जी एक दिन इसी तरह तुझे भी भूल जाएगी। ये सारे काम तो फ्री में करेगा। मम्मू तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी प्रेमा जी से मिलकर आता हूँ, सब देखो। ये क्या कर रहे हैं इडियट? वो देखो। अरे टोटो, वो लड़की फिर आ गई। हाँ हेलो प्रेमा जी। हेलो केकु जी, वो लड़की आ गई। हाँ प्रेमा जी देखिए वहाँ खड़ी है। लगता है प्रेमा जी की जबरदस्त फैन है। मैं जरा उससे मिल के आता हूँ, वो बात करनी है ना, जरा कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता, अच्छा नाम है, किसे मिलने आई हो? ऐसे ही शूटिंग देखने आई हूँ। शूटिंग देखने आई हो? देखो देखो, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो चश्मे वाला है वो तुम्हारा बाप है क्या? जी नहीं, वो तो ऐसे ही आए हैं, प्रेमा जी के खास है। प्रेमा जी का खास है? हाँ। ये प्रेमा जी का ड्रेस आजकल बिगड़ता जा रहा है। आप तैयार हैं? नाटक शुरू कर दे। Yes, yes, of course. Okay. All the best. Thank you. मैं चलता हूँ। Okay. Okay, प्रेमा जी। Okay. अच्छा ये बताओ, तुमने इससे पहले स्टेज पर, कॉलेज में, फिल्म में, ड्रामा में काम किया है? नहीं। ए ड्रामेबाज, आने में तू स्पॉट बॉय? मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। आ तो जाना, शूटिंग करना। आ तो करता हूँ ना। जाना। Start song. मम्मू अब तुम एक काम करो, यहाँ खड़ी रहो और प्रेमा जी कैसे बिहेव करती है वो देखो। हा? मुझे जरा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ओके बेबी बाय। साइलेंस साइलेंस क्यों साइलेंस साइलेंस चला रहे थे जोर से मेरे कान में? अभी तक मेरा मेकअप नहीं हुआ है। नहीं हुआ? मैडम 2 बजे की शिफ्ट थी, अभी 4:30 बज रहे हैं। So what can I do? What can I do?
यू टेल मी आपके मेकअप मैन को मेरा मेकअप ठीक करना नहीं आया आई हैव टू डू इट ऑल राइट नाउ देखिए ना रिहर्सल कीजिए टोटल यस सर तुम्हारी शादी है क्या नहीं तो फिर ये हार लेकर मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम मैडम आपकी शादी है सवाल लगा है मेरे साथ ही लड़की नहीं नहीं मैडम वो आपको सीन समझा रही है वो क्या है सीन ऐसा है कि आपके हाथ में ये फूलों की माला है और आप कहती है कि ये फूलों की माला नहीं है ये फांसी का फंदा है जो मेरे मम्मी पप्पी मेरे गले में डालना चाहते मुझे मारना चाहते मगर इसको मैं तोड़ के तहस नहस करके फेंक दूंगी मम्मी पप्पी ये डायलॉग किसने लिखा है मैंने लिखा है बहुत ही घटिया स्टूपिड इडियटिक एब्सोल्युटली थर्ड रेट डायलॉग है फिर आप ये डायलॉग चेंज कीजिए और एक गंदी से शर्ट चेंज कीजिए ये ग्रीन पेंट चेंज कीजिए और फिर मेरे पास आइए मैं शूटिंग नहीं करूंगी मैडम आप कहां जा रही हो मेरे पैकअप हो गया पैकअप कैसे करेंगे सुनिए सुनिए मैडम सुनिए कैसी मैडम है ये ऐसी ही है पहले से कितने इजी डायलॉग्स है मैं बोलूं तुम बोलोगे सच्ची टोटो रेडी बोलो 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 ये फूलों की माला नहीं फांसी का फंदा है जो मेरे जीजू मेरे गले में डालना चाहते हैं लेकिन मैं ये माला तोड़ के तहस नहस कर दूंगी कैसी लगी मेरी एक्टिंग के कुछ एक्सीलेंट प्रेमा जी वंडरफुल यू नो ममता घर जाकर अब कहेगी कि मैं जिंदगी में कभी हीरोइन नहीं बनूंगी मेरा प्रमोशन पक्का प्रेमा जी आपकी इस तरह के बिहेवियर और वो भी मुझ जैसे डायरेक्टर के साथ वेरी बैड मेरा फाइनेंसर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पूरे यूनिट के सामने आपने मेरी बेइज्जती की है अरे नहीं हम लोग आपको छोड़ो हम लोग आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं क्या हां आपको इस फिल्म से निकाल कर एक नई आर्टिस्ट को ब्रेक दे रहा हूं किसे ममता को